हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीनकालीन इतिहास को हम पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुकी है। छत्तीसगढ़ जीएस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, महिला पर्यवेक्षक हो या पम पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम को छत्तीसगढ़ के जीएस सिलेबस में आपको मिलेगा। और जितना भी क्वेश्चन तैयार किए गए आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, पिछले क्लासेस को जाके रिवाइज भी अगर एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता तो रिवाइज कर लीजिएगा। और पहले पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे सही टाइम में पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 40 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे, तो हम 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। तो 41 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। साकेत, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की जो राजधानी क्या थी उस समय, तो आपका श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए पीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो कार्य है पूरा किसने करवाया था? महाशिवगुप्त बालरजू ने, हर्षगुप्त ने, रानी वास्तुदेवी ने या आपके चंद्रगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाशिवगुप्त बालरजू ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण जो कार्य पूरा किसने करवाया था? महाशिवगुप्त बालरजू ने बनवाया था, लेकिन ये आपका जो रानी वास्तु के द्वारा, ये आपके सिरपुर में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन पूरा जो काम है महाशिवगुप्त बालरजून के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्वेन सांग ने कौन से सन में छत्तीसगढ़ में यात्रा पे आए हुए थे? 635, 629, 637 या 639 में? तो कल मैं बताया था, तो जो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री थे, किसके शासनकाल में आए हुए थे? तो महाशिवगुप्त जो बालरजून थे तिनके शासनकाल में जो आपका जो चीनी यात्री जो ह्वेन सांग, इन्होंने 639 ईस्वी में सिरपुर और आपका मल्हार, सिरपुर और मल्हार की यात्रा पे आए हुए हैं, जिसमें जो ह्वेन सांग ने जो उनके यात्रा का जो अपना जो वर्णन को अपनी उनके पुस्तक थे आपके सीयूकी में इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्यास्लो के नाम से वर्णित किया गया है, जिसको याद रखिएगा। तो इन्होंने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंशियों ने दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की, उन्होंने किसको अपना राजधानी बनाया था? श्रीपुर को, सिरपुर को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीपुर और सिरपुर, तो दोनों को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो सरपुरी वंश जैसे यहाँ पे समाप्ति के बाद यहाँ पे जो पांडु वंशियों ने शासन करने स्टार्ट कर दिया, फिर दक्षिण कोसल में अपने जो सत्ता यहाँ पे स्थापना इन्होंने की और अपनी जो राजधानी श्रीपुर और श्रीपुर, इन दोनों जगहों को इन्होंने बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कालिंजर के शिला लेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष के नाम किसको जाना जाता है? आदि पुरुष के नाम से किसको कहा गया है? तो इंद्रबल को, उदयन को, या आपके नन्नराज प्रथम को, या आपके सूरबल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रबल, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर, सॉरी इंद्रबल बोलता हूँ, ये आपका उदयन है। तो उदयन एक सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे, याद रखिएगा। और जो उदयन की बात करूँ तो उदयन जो आपके पांडुवंश के आदि पुरुष और इसके संस्थापक कालिंजर शिला लेख के अनुसार यहाँ पे ये आपके आदि पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। और इंद्रबल की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका विवाह किसके होता था, किसके साथ हुआ था? तो राजकुमारी लोक प्रकाश इनके साथ विवाह हुआ था, जो कि आपके सरपुरी वंश के थे, तो इसको याद रखिए। इन्होंने इंद्रपुर जो शहर इन्होंने बसाया था, और इसमें वर्तमान में इसको खरौत के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, इसका भी निर्माण इंद्रबल के द्वारा करवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश को सत्ता युक्त कर दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके प्रवर राज ने, तिवर देव ने, इंद्रबल ने, या आपके पृथ्वीदेव द्वितीय? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तिवर देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखे। तो सरपुरी वंश यहाँ पे सत्तायुक्त कर यहाँ पे दक्षिण कोसल में पांडु वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तिवर देव के द्वारा यहाँ पे किया गया था, और तिवर देव को
और इनको जो एक उपाधि दी गई जिसको सकल कोसलाधिपति की उपाधि इनको धारण किए हुए थे, तो इनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि भी दी गई है। तो याद रखें पांडु वंश का जो विस्तार इन्होंने आपके उड़ीसा तक विस्तार इन्होंने किए थे, कौन से वंश थे, तो आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो इसको याद रखिएगा। तो इनका शासनकाल जो पांडु वंश के शासनकाल लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया और राजधानी इन्होंने सिरपुर के बनाया था, तो इसको याद रख, सिरपुर के इन्होंने राजधानी बनाया था। और ये आपके जो संस्थापक इंद्रपल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो आपके बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या आपके डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके अनुसार एक यात्री थे और इनके यहाँ पे जो इनके यात्रा के दौरान दक्षिण कोसल की राजधानी बौद्ध स्तूप जो निर्माण आपके सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करती है, तो बानाबरत की, बस्तर का, दक्षिण कोसल का या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बानाबरत, याद रखिएगा। तो बानाबरत दुर्ग से यहाँ पे स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे गुप्त शासकों के प्रभाव को यहाँ पे प्रमाणित करते हैं, मतलब आपके जितने भी जो स्वर्ण जो सिक्के प्राप्त हुए हैं सभी गुप्त वंश के यहाँ पे यहाँ से जानकारी मिलते हैं, तो बानाबरत याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी, इसके संस्थापक कौन था, सरबराज, नरेंद्र, प्रवरराज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरबराज, या आपको सरब लिखा है लेकिन सरबराज इनको कहा जाता है। तो सरबपुरी वंश की जो राजधानी सरबपुर थी इसके संस्थापक आपके सरबराज थे, याद रखिएगा। और सरबपुरी वंश के इनको संस्थापक भी कहा जाता है। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो भानुगुप्त के जो एरड अभिलेख है 510 ईस्वी में यहाँ से इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। और सरपुरी वंश की बात करूँ तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में यहाँ पे इन्होंने शासन कर रहे थे और राजधानी जो आपके वर्तमान में सारंगढ़, संबलपुर, जो सरबपुर थे, इन लोग यहाँ पे राजधानी बनाए थे। इसके संस्थापक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सरबराज इसके संस्थापक है, कौन से धर्म को मानते थे, मतलब कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के आपके अनुयायी थे, इसको याद रखिएगा। सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज ये सभी आपके सरबपुरी वंश के शासक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है, तो सरपुरी, पांडुवंशी, कलचूरी या आपके छिन्नक नागवंशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सरपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरपुरी जो जब इनका जो राजवंश चल रहा था, सत्ता चल रहा था, तो इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ मंदिरों का निर्माण माना जाता है। कहने का मतलब है जब सरपुरी वंश के जो यहाँ पे शासन कर रहे थे लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे इनके शासनकाल में देखें तो सबसे ज़्यादा मंदिर आपके सरपुरी वंशियों के राजाओं के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था, इसको याद रखिए। जैसे जैसे इन लोग जैसे सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज ये जैसे जैसे राजा इन लोग बनते थे वैसे वैसे मंदिर वगैरह इन लोग बनवाते थे, तो सबसे ज़्यादा आपके सरपुरी वंशी शासक के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और बताया था जो इसके संस्थापक कौन है, तो सरबराज इसके संस्थापक है सरपुरी वंश के, धर्म वैष्णव धर्म आपको इससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक के आसपास को क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में यहाँ पे सरब बल के बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है, तो वाकटक वंश, पांडव वंश, चोल वंश या आपके सातवाहन वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका बी ऑप्शन पांडु वंश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक के आसपास के जो क्षेत्र में यहाँ पे पांडु वंश के यहाँ पे शासन करते थे और यहाँ के जो सरबल की जो महमनी ताम्रपत्र से जानकारी आपके पांडुवंशियों शासक की जानकारी यहाँ पे मिलती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, विक्रमादित्य को किस वंश के राजा माना जाता है, बहुत बार बताया है आपको, रट भी गया होगा अगर डेली क्लास लेते होंगे तो विक्रमादित्य कौन से वंश के राजा माना जाता है, तो पांडुवंश,
सोम वंश, बाण वंश या आपके बाल वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए विक्रमादित्य को आपके बाण वंश के राजा इनको माना जाता है और बाण वंशी जो शासक थे लगभग 9वीं सदी में इन लोग शासन कर रहे थे। इसके संस्थापक कौन है? तो महामंडलेश्वर जो मल्लदेव इसके संस्थापक है बाण वंश के। राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन लोग पाली में इनको राजधानी बनाई गई थी। इसके जो प्रमुख शासक की बात करो तो विक्रमादित्य यहाँ पे दिया गया है। विक्रमादित्य जो इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसके जो जीर्णोद्धार कलचूरी शासक जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इनको द्वारा करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ये आपके PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैलचित्र अधिक मिले हैं? शैलचित्र सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? तो बस्तर से, कवर्धा से, रायगढ़ से या आपके बिलासपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायगढ़ से सबसे ज़्यादा शैलचित्र यहाँ से यहाँ पे मिले हैं। जैसे आपका सिंगनपुर का गुफा यहाँ पे पाषाणकालीन शैलचित्र मिला है। इसके जो खोजकर्ता है एंडरसन, जिन्होंने 1910 में इसकी खोज की थी, तो यहाँ पे मानव के यहाँ पे जो आखेट करते हुए शैलचित्र यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे प्राचीनतम गुफा मिले है, कबरा की गुफा यहाँ पे मिले हुए हैं जहाँ पे आपके सिलोनी महाकृति वगैरह यहाँ पे मिले हैं, और बुतलदा की गुफा जिसको सबसे लंबा गुफा माना जाता है, और बहुत सारे बसनाझड़, टीपाखोल वगैरह यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शैलचित्र यहाँ से पाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो सिंघनपुर जो गुफा है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रायगढ़ में जो सिंघनपुर जो गुफा है जो कि आपके पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, और इसके जो जो खोज करता है, एक मिनट, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एंडरसन ने 1910 में उन्होंने इसकी खोज की थी जहाँ पे मानव का जो आखेट मुद्रा यहाँ पे शैलचित्र मिले हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा भी है इसको कहा जाता है। तो रायगढ़ में स्थित है, और कपरा पहाड़ जो कि आपके मध्य पाषाण काल के हैं यहाँ पे सीढ़ीनुमा आकृति वगैरह यहाँ पे मिले हैं, और सर्वाधिक शैलचित्र इसी गुफा में पाए गए हैं। कहाँ पे? कबरा पहाड़। याद रखिए, तो कबरा पहाड़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शैलचित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल या आपके शैलचित्र है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये आपके शैलचित्र यहीं से आपके कबरा के कबरा पहाड़ की गुफा से आपका मिला है जो आपके कहाँ पे है? रायगढ़ में है। तो ये इसको याद रखिएगा। तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट प्राचीनकालीन इतिहास के क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया था मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कल हम दूसरा से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कराया हूँ, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था इसको मैं इंक्लूड कर दी हूँ। बाकी के 2 पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, और कल देखते हैं हो सकेगा तो कल हो सके तो आपके तो प्राचीन इतिहास तो लगभग 53 क्वेश्चन हो सक खत्म हो गया है। कल हम देखेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, या तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करना है कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को, कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से कल का सेशन हम चलाएंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पहले आज के सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप तक पहुँच पाए, और चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उठा पाए आपके फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो सेशन आज तक हम यही रखते हैं। 3 पार्ट है, तीनों का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो इसको आप पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। थैंक यू।